आप सभी का स्वागत है। ज्योग्राफी या यूं कहें भूगोल, जो सारे परीक्षाओं में फेवरेट सब्जेक्ट होता है, यहाँ पर हम मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू देखने जा रहे हैं। आइए देखते हैं आप इनमें से कितना जानते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से, यहाँ देख पा रहे होंगे, निम्नलिखित में से किस राज्य में सांगला घाटी अवस्थित है? जी हाँ, सांगला घाटी पूछा जा रहा है। चार ऑप्शन हैं, हिमाचल प्रदेश, बिहार, सिक्किम, मध्य प्रदेश, या उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जी हाँ, आंसर देखते हैं। जी हाँ, यहाँ दिख पा रहा होगा स्क्रीन पे, ये जो मार्क किया हुआ है, यही है सांगला घाटी, ठीक है। और ये हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? हिमाचल प्रदेश में। आइए देखते हैं, यहाँ पर दिख पा रहा होगा आप सभी को। इसके अलावा हम और सारे जगहों को देखते हैं, जैसे ये कांगड़ा वैली दिख पा रहा होगा, सुकेत हिल्स है, ठीक है। यहाँ देखिए लाहुद वैली है, स्पीति वैली है, ठीक है। ये रोहतांग पास दिख पा रहा होगा आपको, ठीक है। और यहाँ बसपा वैली दिख पा रहा होगा, ठीक है। ये नागटिब्बा रेंज यहाँ दिख पा रहा होगा, यहाँ मसूरी रेंज दिख पा रहा होगा, ये रामपुर वैली है, ठीक है। ये शिमला हिल्स है। ये इम्पोर्टेंट हैं जो हिमाचल प्रदेश में पड़ते हैं। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर मालूम पड़ गया होगा, ठीक है दोस्तों। इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा? जी हाँ, हिमाचल प्रदेश। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, माउंट रेनियर नामक ज्वालामुखी निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? चार ऑप्शन है, इटली, फिलीपींस, मैक्सिको या यूएसए। तो आइए इसका सही जवाब देखते हैं। ये दिख पा रहा होगा माउंट रेनियर कहाँ पर है, तो यहाँ दिख पा रहा होगा आप सभी को माउंट रेनियर, ठीक है। ये यूएसए की बात करें तो कहाँ पर है? नॉर्थ वेस्ट में है, ठीक है। आइए देखते हैं, ये देखिए खास करके यहाँ दिख पा रहा होगा माउंट रेनियर, ठीक है, वाशिंगटन में है। और नज़दीक से अगर देखें तो यहाँ दिख पा रहा होगा आप सभी को, यहाँ पर कोलंबिया रिवर भी है, यहाँ दिख पा रहा होगा आप सभी को कोलंबिया रिवर, ठीक है। यही है माउंट रेनियर नेशनल पार्क भी है, और पास में है ओलंपिक नेशनल पार्क, और इधर पैसिफिक कोस्ट हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? यूएसए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, यूएसए। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में ताती पाका तेल शोधक कारखाना अवस्थित है? चार ऑप्शन है, आंध्र प्रदेश, गुजरात, असम, बिहार। तो आइए इसको मैप के माध्यम से देखते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए, आंध्र प्रदेश। आइए इससे संबंधित बहुत सारे इंपॉर्टेंट देख लेते हैं। ये देखिए जो मार्क किया हो गया है, यही है तातीपाका जो आंध्र प्रदेश में पड़ता है, ठीक है। इसके अलावा देखिए जो इम्पोर्टेंट, नुमालीगढ़ जो असम में है, ठीक है, डिगबोई, बुगाईगांव, ये सब तो आप सबको पता ही होगा, बरौनी बिहार में, मथुरा उत्तर प्रदेश, पानीपत हरियाणा, भटिंडा पंजाब, ठीक है, उसके बाद कोयली गुजरात, ठीक है, बीना मध्य प्रदेश, मुंबई वाला तो कर ही लेंगे, मैंगलोर कर्नाटक हो जाएगा, ठीक है। तो महत्वपूर्ण नुमालीगढ़ है जो असम में, और तातीपाका ये पूछा जा सकता है, हल्दिया वेस्ट बंगाल में, पारादीप उड़ीसा में। देखिए यही सारा पूछा जाता है जो थोड़ा पिक्यूलियर दिखता है, ठीक है दोस्तों। तो इसका क्या आंसर हो गया था? आंध्र प्रदेश हो गया था, तातीपाका तेल शोधक। अगला देखते हैं, सुनामी वार्निंग सेंटर। जी हाँ, सुनामी वार्निंग सेंटर कहाँ पर अवस्थित है? ये है चार ऑप्शन, नागपुर में, विशाखापत्तनम, जोधपुर या हैदराबाद। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले ये स्क्रीन पे दिख पा रहा हो किस प्रकार से ये जो होता है सुनामी वार्निंग सेंटर होता है, देख पा रहे होंगे कुछ इस प्रकार से है यहाँ पर, ठीक है। पहले यहाँ मशीन लगाया गया, फिर ये ऊपर भेज रहा है यहाँ से, फिर सैटेलाइट के माध्यम से, और फिर यहाँ पहुँच रहा है, तो कुछ इस प्रकार से है। आइए देखते हैं कहाँ पर है भारत में, ये दिख पा रहा होगा आप सभी को, इंडियन सुनामी अर्ली वार्निंग सिस्टम मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंतर्गत आता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। क्या कहा जा रहा है? द इंडियन सुनामी अर्ली वार्निंग सिस्टम एस्टेब्लिश्ड एट नेशनल
इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशियन इंफॉर्मेशन साइंस NQS हैदराबाद, कहाँ पर है? हैदराबाद, वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पर आंसर मालूम हो गया होगा, इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, हैदराबाद में। आइए देखते हैं लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है, लॉरेशिया भाग नहीं था, निम्नलिखित महाद्वीपों में से कौन सा लॉरेशिया का भाग नहीं था? दक्षिण अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, ग्रीनलैंड या यूरोप? आइए देखते हैं, ये दिख पा रहा होगा आप सभी को, ये लॉरेशिया है और ये गोंडवाना और बीच में टैथिस सी। तो फिर धीरे धीरे काफ़ी टाइम के बाद लगभग ये 200 मिलियन ईयर्स पहले का ये दिख पा रहा होगा। तो और थोड़ा करीब से देखते हैं, यहाँ देखिए इसमें दिख पा रहा होगा आप सभी को, लॉरेशिया जो है ये बेसिकली एशिया, यूरोप और नॉर्थ अमेरिका कंसिस्ट है इसमें, ठीक है। बाकी साउथ अमेरिका अलग है, अफ्रीका अलग है, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, ये सब अलग है, ठीक है। ये टैथिस सी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा इसमें, नॉर्थ अमेरिका, यूरोप और एशिया, ये तीनों तो होंगे ही, ठीक है, ये तीनों होंगे ही, तो इसमें क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में से कौन सा लॉरेशिया का भाग नहीं था? जी हाँ, दक्षिण अमेरिका भाग नहीं था, यूरोप भी था, उत्तरी अमेरिका, ग्रीनलैंड भी था। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से ये क्वेश्चन समाप्त होता है दोस्त। आप लोग, अपेक्षा है काफ़ी इनमें से क्वेश्चन अटैम्प्ट किए होंगे, कमेंट में ज़रूर बताएं आपने कितना नंबर स्कोर किया है, और ऐसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस के लिए चैनल पे ज़रूर आएं, और सब्सक्राइब अगर नहीं किए हैं तो कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, और मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के साथ नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए देखते रहिए, नॉलेज गेन करते रहिए। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।